हेलो एवरीवन, आज देखेंगे हम एमएस एक्सेल में पायो टेबल और पायो चार्ट किस तरीके से बनाते हैं। चलिए वीडियो मेरा पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे से एक एक स्टेप समझ में आ जाए कि हम किस तरह से आज पायो टेबल बनाते हैं। और बहुत इजी है, जब हम कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो पाया हमसे अक्सर पूछा जाता है कि पायो टेबल आता है या नहीं आता है। बी लुकअप, एच लुकअप, ये भी वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ, आप उनको भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। चलिए बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ जाना है हमें सबसे पहले इंसर्ट पे, और देखेंगे इंसर्ट पे जाने से पहले मैंने यहाँ एक टेबल बनाई हुई है जिसमें मैंने डेटा भरा है, एम्प्लॉय की आईडी भरी हुई है, फर्स्ट नेम भरा हुआ है, यहाँ डेजिग्नेशन और सैलरी इतना मैंने भरा हुआ है। आप चाहे तो कुछ और भी डेटा भर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ हमें जाना है अब इंसर्ट पर। इंसर्ट पर जाने के बाद यहाँ देखिए पायो टेबल पर जाना है। पायो टेबल पर जाने के बाद वो यहाँ से सेलेक्ट करता है रेंज को, यानी कि टेबल को। यहाँ हमने टेबल सेलेक्ट कर ली है अपनी, और नहीं करता है तो आप क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ वो पूछ रहा है आपको इसी शीट पे बनाना है या नई शीट पे। मुझे नया वर्कशीट पे ही बनाना है, तो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया न्यू वर्कशीट और देन हमने किया ओके। अब वो देखिए मेरे पास यहाँ फील्ड सेलेक्ट करके आ गए, आपको क्या क्या चाहिए। मुझे यहाँ से फर्स्ट नेम चाहिए, डेजिग्नेशन चाहिए और सैलरी चाहिए। ओके, तो यहाँ से मैंने डेजिग्नेशन को डाल दिया कॉलम में, और रो मैंने यूज की है यहाँ। रो में फर्स्ट नेम और वैल्यू में मैं यहाँ सम ऑफ सैलरी का यूज किया हुआ है। डिफॉल्ट यहाँ सम का ऑप्शन दिया है, आप चाहो तो चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ। यहाँ देखिए मेरे पास अकाउंटेंट इसने बता दिया इतना है। यहाँ पर देखिए ऑफिसर आ गए, यहाँ पर भी आपके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आ गए, कंप्यूटर ऑपरेटर, डायरेक्टर, इंजीनियर, सभी यहाँ इस तरीके से आ गए। अब देखिए मान लीजिए मेरे पास एक राम नाम का एम्प्लॉय है जो कि यहाँ पर तीन पोस्ट पर वर्क करता है, तो तीनों की पोस्ट का भी टोटल यहाँ दे दिया है। आप देखेंगे यहाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रांड टोटल दे दिया गया है, यानी इस तरीके से भी यहाँ अकाउंटेंट का पूरा यहाँ पर ग्रांड टोटल दिया गया है। और यहाँ पे देखिए सम ऑफ सैलरी इस तरीके से भी, और लास्ट में यहाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से व्यू करके भी यहाँ पर लास्ट में टोटल दिया है। ये था सम वाला ऑप्शन। आप चाहते हैं यहाँ से सम की जगह आप मान लीजिए आप काउंट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ से आप काउंट भी कर सकते हैं कि आपके किस पोस्ट पर कितने मेंबर हैं। अब देखिए ये ऐसे अकाउंटेंट की पोस्ट पर यहाँ पर चार हैं, यहाँ एग्जीक्यूट की पोस्ट पर तीन है, यहाँ फाइनेंस पे भी दो हैं, और कंप्यूटर ऑपरेटर चार हैं, और इंजीनियर आपके पास हैं। टोटल आपके पास 20 मेंबर वर्क कर रहे हैं। आप सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम जो भी आप चाहें यहाँ से निकाल सकते हैं। वैल्यू फील्ड पर जाकर यहाँ से आप फंक्शन को चूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से वापस सम वाला सेलेक्ट किया, सम ऑफ सैलरी का, यानी कि यहाँ टोटल करके बता दिया। इस तरीके से देखिए हमने यहाँ एक पायो टेबल बना लिया है। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर आप पायो चार्ट भी बना लें, तो आपकी जैसे शीट अपनी उसी शीट पर जाएं जिस शीट पे आपका पहले डेटा था। ये देखिए मेरे पास यहाँ शीट पर डेटा है, आपको सिंपल वही करना है, आपको इंसर्ट करना है। अब आपको पायो चार्ट बनाना है, तो यहाँ से आप पायो चार्ट पर जाएंगे, पायो चार्ट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से टेबल ऑफ रेंज आप अपनी टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपकी रेंज है। यहाँ से मैंने अपनी टेबल रेंज को सेलेक्ट किया। उसके बाद वो फिर से पूछ रहा है आपको एग्जेक्टिंग शीट पे चाहिए, न्यू शीट पे। मैंने यहाँ सेलेक्ट किया न्यू वर्कशीट और देन ओके किया। यहाँ पर देखिए फिर से आपको नेम, डेजिग्नेशन और सैलरी, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर। और आप चाहें तो यहाँ से डेजिग्नेशन को इधर दे देंगे। यहाँ पर आपके नेम के साथ उसने पायो टेबल के साथ पायो चार्ट भी क्रिएट करके दे दिए। ओके, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और भी ऐसे अच्छे एक्सेल के वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे इसकी पूरी प्लेलिस्ट है, आप वहां जाके क्लिक करके और भी वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।